जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्मिंगम वर्सेस सदर्न ब्रेव द 100 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच लॉर्ड्स लंदन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 11 बजे स्टार्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो दोस्तों, मैं क्या करूँ आपको बताए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 100,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 3 अगस्त को लंदन वर्सेस नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच में मैच हुआ था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आपको ध्यान देना है, जो पिच रहेगी ना वो मेरे हिसाब से यहाँ पर न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी, क्योंकि आपको बताया दोस्तों ये फाइनल मैच है इस टूर्नामेंट का, द 100 का। तो दोस्तों, यहाँ पर पिच बहुत बढ़िया रहने वाली है, फ्रेश रहेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखो, आमतौर पर ना जो पिच होती है लॉर्ड्स लंदन की, ये पिच दोस्तों बैट्समैन के लिए बहुत बढ़िया होती है और यहाँ पे ना पेसर्स को, मतलब तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। और दोस्तों, यहाँ पर हल्की बहुत हेल्प ना स्पिनर्स के लिए भी रहती है। अब देखो, यहाँ पे जिस टीम ने बैट फर्स्ट करा ना सोने के ऊपर, लास्ट 12 में से 9 मैच जीते हैं दोस्तों जो टीम यहाँ पे बैट फर्स्ट करती है। और जो टीम दोस्तों यहाँ पे चेस करी है वो सिर्फ यहाँ पर 2 मैच जीती है और एक मैच यहाँ पे टाई हुआ है। तो अपन कह सकते हैं ये दोस्तों बड़ा मैच है, फाइनल मैच है, तो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, प्रेशर दोस्तों कम रखने के लिए, ठीक है। एवरेज स्कोर 150-180 दोस्तों आपको बनता दिखेगा। अब देखो, यहाँ पे लास्ट 12 मैचेस के अंदर स्वैनी के ऊपर क्या हुआ है, पेसर्स मतलब तेज गेंदबाजों ने 89 विकेट्स निकाले हैं। पहली पारी में 34 विकेट है और दोस्तों दूसरी पारी के अंदर 55 विकेट है। तो आप देखो, यहाँ पे दूसरी पारी के अंदर भी दोस्तों विकेट्स बहुत गिरते हैं। अब देखो, यहाँ पे किस टाइप के पेसर्स विकेट निकालते हैं, राइट आर्म पेसर्स 73 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म पेसर्स 16 विकेट्स है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे स्पिनर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों स्पिनर्स भी बढ़िया ही काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो लास्ट 12 मैचेस के अंदर 59 विकेट्स निकाले हैं, पहली पारी में 26 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 33 विकेट है। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप देख सकते हो लेग स्पिनर्स यहाँ पर 28 विकेट निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ स्पिनर्स, 17 विकेट है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने 14 विकेट निकाले, तो कुल मिला के यहाँ पे 59 विकेट्स हो गए, ठीक है, आप ऐड करके देख लेना। अब देखो, यहाँ पे बात करते हैं उसकी, जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ पे 3 अगस्त को लंदन स्प्लिट वर्सेज नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का, उस मैच के अंदर यहाँ पे 6 विकेट किसने निकाला था, पेसर्स ने, और यहाँ पे 6 विकेट दोस्तों स्पिनर्स ने निकाला। और आपको दोस्तों पता ही रहेगा इस वेन्यू के ऊपर इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच हुआ था दोस्तों, जो इंडिया ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जीता था। आपको पता रहेगा सिराज दोस्तों बॉलिंग कराई थी यहाँ पर, खतरनाक वाली, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ग्राउंड डायमेंशन की बात करते हैं और दोस्तों क्लाउडी वेदर यहाँ पर रहने वाला है, तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं ग्राउंड डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेंगी 65 मीटर्स की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत छोटी होती है लॉर्ड्स के अंदर, थोड़ा सा फुटबॉल टाइप शेप के अंदर ग्राउंड आप देख सकते हो। और सामने की बाउंड्रीज आपको यहाँ पे 70 मीटर की देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों बड़ी बात क्या आपको पता है, जो यहाँ पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री है ना, ये बड़ी है, 81 मीटर और 86 मीटर की है। लेकिन अपन कह सकते हैं दोस्तों स्पिनर्स को यहाँ पर दिमाग से बॉलिंग करानी पड़ेगी, वरना दोस्तों यहाँ पर जो ग्राउंड डायमेंशन है ना लेग साइड के ऑफ साइड के बहुत छोटे हैं, ठीक है दोस्तों। स्टेडियम आप देख सकते हो, उसको लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों कितना शानदार व्यू यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों आपको मैच होता हुआ दिखेगा। और वेदर फोकस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये मैच होगा सैटरडे के दिन कितने बजे, ये मैच इंग्लैंड के टाइम के अनुसार 6 बजे स्टार्ट होगा, आपने यहाँ पे दोस्तों 11 बजे रहेगा। तो आप देखो यहाँ पर लाइट रेन के चांसेस हैं, मेरे हिसाब से दोस्तों सैटरडे के दिन हल्की सी बारिश आ सकती है। अपन दोस्तों दुआ करते हैं बारिश ना हो, वो तो थोड़ी सी कम हो, ठीक है, पूरा मैच दोस्तों अपने को होता हुआ दिखना चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है यहाँ पर, और मैं आपका सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ, किस लिए दोस्तों, आपने पूरा सपोर्ट बनाए रखा इस टेरिफिक और फैसिनेटिंग टूर्नामेंट के लिए जिसका नाम था दोस्तों द 100। और आपने दोस्तों हमेशा यहाँ पर मतलब कि सपोर्ट करा, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दोस्तों हमेशा टूर्नामेंट जब खत्म होता है तो मैं आपको हमेशा एक थैंकफुल मैसेज हमेशा डालता हूँ, ये दोस्तों मेरी आदत थी स्टार्टिंग से लेके, तो फिर से दोस्तों आपके लिए थैंकफुल मैसेज मैंने डाल रखा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका यहाँ पर। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ द 100, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर लिखे हुए मैंने रूल्स क्या द 100 के, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करना रूल्स ऑफ द 100 बाय स्टैट्स गुरुजी हिंदी, सबसे टॉप पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों न्यूज़ की, तो बड़ी बड़ी खबरें आने दोनों टीम से। पहले देखो यहाँ पे फिन एलन दोस्तों अवेलेबल नहीं है,
नेशनल ड्यूटी के ऊपर जा चुके हैं दोस्तों बांग्लादेश के अंदर। इनकी सीरीज आपको बता रहा है तो 1 सितंबर से बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड की, ठीक है, उसमें बड़े प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, ये सारे खेलेंगे, फिन एलन हो गए, फिर यहाँ पे जो थोड़े बहुत डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं ना वो सारे। डेविड बेंडिंगम दोस्तों रिप्लेसमेंट प्लेयर हैं किसके, फिन एलन के। मोइन अली दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पर इस स्क्वाड के अंदर, इनको थोड़ा सा छूट दी गई थी कि भाई आप जाके खेल सकते हो थर्ड टेस्ट मैच से पहले, क्योंकि थर्ड टेस्ट मैच में थोड़ा बहुत टाइम है, 25 अगस्त को आई थिंक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सदर्न ब्रेव कॉल इंडिकेटर में दोस्तों नेशनल ड्यूटीज के ऊपर जा चुके हैं, फिन एलन के साथ गए थे, साथ में दोनों गए थे यहाँ पर। टीम डेविड दोस्तों रिप्लेसमेंट प्लेयर हैं इनके। बात करते हैं लाइनअप्स की, तो आपको ध्यान देना यहाँ पे बर्मिंगम फोनिक्स की टीम है ना इस टूर्नामेंट के अंदर क्या करिए दोस्तों, दो मैच आ रही है देखो कैसे, वन लॉस, वन वन। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया टीम है, इनका जो टॉप ऑर्डर है ना वो बहुत बढ़िया है, क्लीन हिटर है दोस्तों, हिट एम स्टाइप प्लेयर होता है जो टॉप ऑर्डर है इनका। टॉप ऑर्डर मतलब होता है जो ओपन करते हैं और वन डाउन जो बैट्समैन होता है इनका दोस्तों, जो टॉप ऑर्डर है ना वो बहुत बढ़िया है। और ये ना क्या है, हिट या मिस है, अगर दोस्तों ओपनर चल गए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं चले दोस्तों मिस हो जाते हैं इनके ओपनर्स। मिडल ऑर्डर दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, बॉलिंग अटैक दोस्तों कंसर्न है, थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, बस एक एडम मिलिन है, इमरान ताहिर है, बैनी होवल है, तीन दोस्तों सबसे जिम्मेदार बॉलर है इस टीम के अंदर। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा अपन देखते हैं तो पेपर के ऊपर लगता है कि थोड़ी सी कमी है बॉलिंग के अंदर। अब देखो यहाँ पर डेविड बेंडिंगम ओपन करेंगे शायद तक, या फिर दोस्तों माइल्स हैमंड भी ओपन कर सकते हैं विल स्मिथ के साथ। लियाम लिविंगस्टन वन डाउन, मोइन अली दोस्तों टू डाउन आ सकते हैं, ये दोनों में दोस्तों ऊपर नीचे होता रहता है, कभी मोइन अली आ जाते हैं कभी लियाम लिविंगस्टन आ जाते हैं। क्रिस बेंजामिन, बैनी होवल, एडम मलिन, टॉम हेलम, पैट्रिक ब्राउन, इमरान ताहिर आपको यहाँ पे दिखेंगे। चलते हैं दोस्तों गिव अवे किसके ऊपर है, ये है अपने लियाम लिविंगस्टन के ऊपर, हैशटैग स्टैट्स गुरुजी, और आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है कि एल एल कितने रन बनाएंगे लियाम लिविंगस्टन। चलते हैं यहाँ पे सदर्न ब्रेव की तरफ, तो आपको ध्यान देना है इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ पहले दो मैच हारी, उसके बाद दोस्तों जो मोमेंटम इसने प्राप्त करा था ना वो देखो, वन अबंडेंट वन, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, टॉप ऑर्डर दोस्तों का बहुत स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ा सा डिपेंड करता है दोस्तों एक इसके ऊपर, ये टीम क्विंटन डिकॉक के ऊपर, पॉल स्टर्लिंग के ऊपर, जेम्स विंस, ये तीन प्लेयर्स के ऊपर दोस्तों टीम थोड़ी सी डिपेंडेबल है। मिडल ऑर्डर दोस्तों थोड़ा सा बढ़िया ही है, 75% ठीक ठाक है, क्योंकि एलेक्स जोन्स का दिन नहीं रहता दोस्तों, कभी चलते नहीं है, और दोस्तों मिडल ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा वैकेंट लगता है। अब देखो बॉलिंग टैंक दोस्तों बहुत ही शानदार है इनका, ठीक है, देखो क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे पॉल स्टर्लिंग के साथ, जेम्स विंस वन डाउन है, एलेक्स डेविस, टिम डेविड, गर्टन, रॉस वाइटली, क्रिस जॉर्डन, क्रेग ओवरट्यून, टैनमन मिल्स, जैक लिंटर। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे लास्ट मैचेस में क्या हुआ था, तो आपको ध्यान देना है कौन सी टीम बर्मिंगम की टीम के अंदर दोस्तों न्यू प्लेयर कौन है, डेविड बेंडिंगम। इसके स्टैट्स देख लेते हैं सबसे पहले, इसने T20 के अंदर आज तक 46 मैच खेले, 22 की एवरेज है, 895 रन है, हाई 73 है, और इसका 30+10 बार है। अब आप कहोगे आप 30+ को लिखते हो, क्योंकि दोस्तों ये प्लेयर चला कितने बार है, इसने खेले तो 46 मैच है, ठीक है, और ये भाई साहब चला कितने बार 46 मैच खेल के, दोस्तों चला है 10 बार। जो प्लेयर 30+ स्कोर करता है ना वो चल जाता है। अब देखो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर इसका 15 का एवरेज है, और दोस्तों सेकंड इनिंग्स के अंदर जब चेस करता है ना डेविड बेंडिंगम, तो इसकी 30 की एवरेज है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, डेविड बेंडिंगम दोस्तों बहुत बढ़िया फॉर्म के अंदर थे, जो इनका रॉयल लंडन कप हुआ था ये दोस्तों डरम के लिए खेल रहे थे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था इसका, मतलब कि आप समझ सकते हो 50 ओवर का मैच था, ठीक है, उसके अंदर आता था 30वें ओवर में 40वें ओवर के अंदर, क्योंकि आपको दोस्तों ग्राम कलर और एलेक्स लिव्स कितना अच्छा खेल रहे थे उस टाइम, तो क्या करते थे 50 रन बना जाते थे या फिर 60 रन बना जाते थे 30 गेंदों के अंदर 40 गेंदों के अंदर। स्ट्राइक रेट हमेशा 120 प्लस होता था इसका, 120-150 का स्ट्राइक रेट होता था इसका 50 ओवर के मैचेस में। यहाँ पर पता नहीं दोस्तों कितनी तेजी से रन बनाएंगे विल समीद, 36 पहले मैच के अंदर, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस है 45-65 नॉट आउट 18-0। लियाम लिविंगस्टन की बात कर ले रहे हैं यहाँ पर, 19 रन है, 12 रन है, 68 की नॉट आउट दोस्तों पारी थी, उसके बाद 23 रन की पारी, 31 रन 50, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 विकेट निकाला, और लास्ट मैच के अंदर एक गजब पारी थी 92 की 40 गेंदों के अंदर, एक बोलते हैं ना दोस्तों डोमिनेशन वाली पूरी पारी थी, वो दबदबा था इनका उस पूरी नॉक के अंदर, नहीं ऐसे मोइन अली 40 रन पहले मैच में, 15 रन फिर यहाँ पे 0 पे आउट हुए थे इसी टीम के अगेंस्ट में दोस्तों, जैक लिंटर्ट ने इनका आउट करा था याद है ना आपको, फिर 26 करा था, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 49 करा, फिर यहाँ पर लास्ट जब ये मैच यहाँ पर खेल के गए थे तो उन्होंने दोस्तों एक यादगार नॉक खेली थी 59 की 28 गेंदों के अंदर, वो दोस्तों बहुत बढ़िया नॉक थी उनकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बॉलिंग से परफॉर्मेंस, 0 विकेट 1 विकेट है लास्ट मैच में दोस्तों 10 गेंदों के अंदर 21 रन देकर 1 विकेट निकाला था। और मेरे हिसाब से दोस्तों बॉलिंग करा सकते हैं क्विंटन डिकॉक को जो लेफ्टी बैट्समैन है, और फिर दोस्तों रॉस वाइटली आ जाते हैं, जॉर्ज गर्टन आ जाते हैं, तो उनको कराएंगे। माइल्स हैमंड 5-13, 43-4, 7-38 नॉट आउट, ये भी दोस्तों अच्छे खासे सुलझे हुए प्लेयर हैं। क्रिस बेंजामिन 24-9, 37-3-7 ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा इनका भी। बैनी होवल आएंगे दोस्तों, अपन कह सकते हैं
स्पिनर फास्ट बॉलर है। अब कोई क्या बात कर रहे हो यार, ये क्या करते हैं, छोटा सा रनअप लेते हैं और दोस्तों इनका एक्शन थोड़ा सा पेसर का जैसा है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग इसको स्पिनर की कैटेगरी में भी रखते हैं। दो विकेट है, एक विकेट है, जीरो, एक विकेट, फिर यहाँ से देख सकते हो दो विकेट है, 12 रन दिया मात्र 20 गेंदों के अंदर। लास्ट मैच में दोस्तों 20 गेंदों के अंदर 18 रन दिया, दो विकेट निकाले थे। एडम लेन आएंगे दोस्तों इस टूर्नामेंट के अंदर, आपको बताऊंगा दो प्लेयर्स का सबसे बढ़िया बॉलिंग इकोनॉमी रह रहा है, स्पेशली रन पर बॉल के मामले में। इनका दोस्तों 1.05 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बॉल के अंदर 1.05 रन देते हैं। मैं दोस्तों बैनियोल का भी कुछ ऐसे 1.12 के आसपास ऐसा कुछ था, मैंने कहीं पे दोस्तों आर्टिकल्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है। एडम लिन दोस्तों पावर प्ले के अंदर सबसे बढ़िया बॉलर इस टूर्नामेंट के अंदर माने जा रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी के मामले में। रन्स बहुत कम पिटवाते हैं। इमरान ताहिर 0-1-1-0-0, फिर 5 विकेट, फिर 2 विकेट, लास्ट मैच में विकेटलेस 18 रन दिया था 20 गेंदों में। पैट्रिक ब्राउन, मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, सेकंड लास्ट मैच के अंदर भाई साहब हीरो बना था, 3 विकेट निकाले थे 27 रन देके, और इससे लास्ट मैच के अंदर 5 गेंदों के अंदर भाई साहब ने 26 रन दे दिया था। और वहाँ पर कौन थे अपने, वो शायद टॉम कॉलर कैडमोर थे जिन्होंने इनको आड़े तिरछा लिया था, वो आई थिंक उन्हीं के पहले क्लब वगैरह में खेला करते थे। डेविड पेनिंगटन आ गए यहाँ से, जब 15 गेंद 11 रन दिया, 2 विकेट निकाला, उसके बाद इसने 15 गेंद में 31 रन दिया लास्ट मैच के अंदर, नई बॉल से ज़्यादा बॉलिंग कराई थी। अब देखो टॉम एलन भी दोस्तों आ सकते हैं, इनके स्टैट्स आप देख सकते हो, स्टार्टिंग ओवर एडम मिलन डालेंगे, पैट्रिक ब्राउन डालेंगे, टॉम एलन तो डेलन पेनिंगटन, डाउन में एडम मिलन, पैट्रिक ब्राउन, टॉम एलन तो पेनिंगटन। चलते हैं दोस्तों इसकी तरफ, सदर्न ब्रेव की तरफ। तो दोस्तों कल ही के दिन मैच खेल के आ रही है, उसमें क्विंटन डी कॉक ने 6 करा था, और पूरा दोस्तों जो एलिमिनेटर मैच था उसके अंदर सदर्न ब्रेव का दबदबा था। कहते हैं ना दोस्तों कि जो टीम एक बार मोमेंटम प्राप्त करती है ना, जीत के आती है दोस्तों, उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, और उससे जो नॉकआउट्स खेल के आती है उसको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। एक टीम क्या होती है, डायरेक्ट फाइनल के अंदर चली जाती है, ठीक है, वो डायरेक्ट फाइनल में चली गई, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जो टीम क्वालीफायर्स वगैरह खेल के आती है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहता है। यार अपन इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, क्वालीफायर भी दोस्तों जीत रहे हैं अपन, तो उनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ही रहता है, ठीक है, तो टीम में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ही रहेगा। और वहाँ पे मोइन अली आ चुके हैं, तो दोस्तों वहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए, और वहाँ पे फिन एलन बाहर गए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम भी हो सकता है। अब देखो पॉल शेलिंग 20 रन है, 18 रन है, 2 रन है, लास्ट मैच में दोस्तों एक बहुत अच्छी नॉक थी 31 रन की 19 गेंदों के अंदर। विंस आएंगे यहाँ से 0-40-66-8-53-13-45 की नॉक थी दोस्तों। चेस पे तो भाई साहब अलग ही फॉर्म में रहते हैं ये, एलेक्स जेस 21-14-15-50-14-18-43, तो इनका भी दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस रह रहा है। गर्टन आएंगे, लास्ट दो मैच से दोस्तों विकेट्स निकाल रहे हैं, सेकेंड लास्ट मैच में 2 विकेट था, 22 रन दिया था 15 में, लास्ट मैच के अंदर 18 रन देके इसने दोस्तों मलान का आउट करा था, डार्ची शॉट का आउट करा था, एलेक्स हिल्स का आउट करा दोस्तों। हर बार टीम्स क्या करके आती है, प्लान बना के आती है तीनों के अगेंस्ट में, डेविड मलान के अगेंस्ट में, ठीक है, फिर डार्ची शॉट के अगेंस्ट में, फिर एलेक्स हिल्स के साथ अगेंस्ट। ये भाई साहब बोला कि रहने दो, पूरा काम मैं करके देता हूँ यहाँ पर। टीम इंडिया दोस्तों पहला मैच खेले लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा था, सिंगापुर के प्लेयर हैं रॉस वाइटली 39-25-4-13-1-7, ठीक है। और दोस्तों फिर आएंगे यहाँ से क्रिस जॉर्डन, 16 है, 0 विकेट्स है, 6 रन, 1 विकेट है, 17 रन, 0 विकेट है, 1 विकेट है, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, लास्ट मैच में 2 विकेट था। क्रेग ओवर्टून आते हैं, पहले मैच के अंदर इसने 22 रन दिया था विकेटलेस, फिर दोस्तों लास्ट मैच के अंदर मतलब कल के दिन 2 विकेट निकाले 25 रन देके। जैकब लिंटेड दोस्तों आप देख सकते हो 1-2-0-1-1-2-3, और लास्ट मैच में 0 विकेट था। इनका दोस्तों CPL का मतलब कि खेलने का चांस मिल रहा है किस टीम के लिए, बारबाडोस रॉयल्स के लिए, ठीक है। फिर आएंगे से मिल्स 0-0, 1 विकेट है, 1 विकेट है, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट है। अपन ने दोस्तों आपको पता है जब से टूर्नामेंट चालू था तब से अपन ने इसको पिक करा था, बस दोस्तों लास्ट मैच ऐसा जिसके दिन अपन ने इसको पिक नहीं करा था, और उस दिन 3 विकेट निकाल लेंगे 8 रन देके 16 गेंदों के अंदर। अब देखो ना, सो स्टार्टिंग ओवर मिल्स गर्टन, क्रेग ओवर्टून, और दोस्तों यहाँ पर आएंगे डेवर में मिल्स गर्टन और कौन, क्रिस जॉर्डन, और दोस्तों लिंटेड भी आ जाते हैं कभी, ये दोनों से कोई एक आएगा मेरे साथ। दोस्तों गर्टन ना नई बॉल से तो 10-15 बॉल डाल देते हैं, उसके बाद एक 50-60 बॉल के स्पेल के अंदर एक 5 बॉल का सेट और डाल देते हैं। मैंने स्टैट्स की बात करते हैं तो दोस्तों एक अजीब चीज लगी मुझे इस श्रेणी को, दोस्तों दोनों टीम्स के प्लेयर्स ने बहुत कम खेला है। अब देखो डेविड बेंडिंगम आए, ये दोस्तों श्रेणी के ऊपर नहीं खेले, लेकिन इसने इंग्लैंड के अंदर कितने मैच खेले, 23 मैच खेले, 20 की एवरेज है, 395 रन है। यहाँ पे दोस्तों टॉम एबल ने 28 करा वाइल चेसिंग, बैनी ओवल ने 39 करा था प्लस 0 विकेट निकाले थे, वाइल चेसिंग करा था 39, और 2014 की बात है। एडम मिलन एक मैच में 0 विकेट है, टॉम एलम का दोस्तों होम ग्राउंड है ये, तो उनको खिलाया जा सकता है। 19 मैच में 33 विकेट इस मैदान के ऊपर, और मात्र एक मैच के अंदर विकेट लस गए आज तक इस मैदान के ऊपर। इमरान ताहिर एक विकेट है यहाँ पे बॉल फर्स्ट करते हुए। फिर आएंगे यहाँ से कौन, सदर्न ब्रेव की तरफ से क्विंटन डी कॉक, इस महीने के बाद खेल चुके हैं, 27 करा था,
जब इन्होंने लंदन के अगेंस्ट में मैच खेला था, ठीक है, आई थिंक कुछ एक अगस्त के आसपास की बात थी, है ना। अब देखो ऐसे पॉल सेलिंग आएंगे, 28 मैच यहाँ पे 26 के एवरेज है, 732 रन आपको बता रहेगा दोस्तों। पॉल सेलिंग T20 ब्लास्ट के अंदर मिडिल सेक्स के लिए खेलते हैं, 30 प्लस इसने 10 बार कराया स्वैनी के ऊपर 28 मैच खेले के, और 6 बार दोस्तों बैट फर्स्ट करते हुए करा था। वंस आएंगे यहाँ से 6 मैच 19 के एवरेज है, 115 रन है, बैट फर्स्ट 69 26 4 2 14। अब आप नोटिस करो दोस्तों यहाँ पर क्या आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि विन जो उसने यहाँ पे सिर्फ 6 में से एक मैच में चला है। यहाँ पर एलेक्स जेस 50 यहाँ पे बैट फर्स्ट करते हुए इसी साल करा था द 100 के अंदर। कटन का 3 मैचों में 3 विकेट है, 1 मैच के अंदर विकेट लेस है, लास्ट मैच में यहाँ पे 2 विकेट निकला था। रोस वाइटली ने यहाँ पे 13 करा था। क्रिस जॉर्डन ने दोस्तों यहाँ पर लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला था स्वैनी के ऊपर, और इसके ऐसे तो 8 विकेट्स है 6 मैचेस के अंदर, आपको ध्यान देना है, और 1 मैच के अंदर विकेट लेस गया है। क्रेग ओटू ने यहाँ पे 2 मैच खेल चुके हैं, विकेट लेस गए। मिल्स दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया यहाँ पर, 5 मैच के अंदर 9 विकेट है। जैक लिंटन यहाँ पे 0 विकेट 1 मैच के अंदर। ब्रिक्स का दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, कुल मिला के 4 मैचेस के अंदर 8 विकेट है, हर मैच के अंदर 2-2 विकेट निकाला है। मैक्स वाला रहेंगे दोस्तों यहाँ से, आप देख सकते हो 3 मैचेस के अंदर यहाँ पर इनका 3 विकेट है। डेलर रॉलिंस का यहाँ पे 2 मैचेस के अंदर 49-23 है, डेवन कॉनवे का 22 है। ये दोस्तों आईपीएल का रिसेंट फॉर्म आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बारीकी से। अब मैचअप्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है जो डेविड पेंडिंगमन का स्ट्रगल है, डैनी ब्रिस के सामने 6 गेंद 3 रन 1 बार आउट हुए, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने 14 पारियों के अंदर 5 बार आउट में 83 बॉल के अंदर 99 रन है। जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होते हैं ना, जडेजा की तरह जो अपने जड्डू है ना, वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, एग्जांपल दे रहा था आपको बस। विल समिथ ये बॉलर से हमें दोस्तों अभी तक आउट नहीं हुए, फेस ही नहीं करा इनको ज़्यादातर। विल समिथ लेग स्पिन के सामने थोड़ा फंसते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने। लियम लिविंगस्टन वर्सेस आपको देखने को मिलेगा, मिल्स 27 रन 16 गेंद 1 बार आउट हुए। मुनली वर्सेस लिंटॉट 3 गेंद 0 रन 1 बार आउट हुए। माइल्स हैमंड वर्सेस आपको क्रिस जॉर्डन देखने को मिलेगा, 9 गेंद 13 रन 1 बार आउट हुए। गटन के सामने 8 रन 6 गेंद 1 बार आउट हुए। ओवरटून के सामने 35 गेंद 22 रन 1 बार आउट हुए। ब्रिक्स के सामने 10 गेंद 7 रन 1 बार आउट हुए। टॉम एबल वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स, क्विंटन डीकॉक की दोस्तों बात करते हैं तो T20s के अंदर क्विंटन डीकॉक यहाँ पे आउट हुए हैं मुनली के सामने, क्योंकि आपको दोस्तों क्विंटन डीकॉक लेफ्टी बैट्समैन है और यहाँ पर मुनली के ऑफ स्पिनर है, और क्विंटन डीकॉक को ऑफ स्पिनर के सामने पहले फंसते हैं। 37 पारी में 14 बार आउट हुए ऑफ स्पिनर के सामने, और मोइन अली के सामने 29 गेंद 37 रन 4 बार आउट हुए, 2 बार पहली पारी में 2 बार दूसरी पारी के अंदर। एडम मिलन 2 गेंद 1 रन 1 बार आउट करा। इमरान ताहिर ने 24 गेंद 18 रन 2 बार आउट करा क्विंटन डीकॉक को। पॉल स्टर्लिंग वर्सेस बैनी हॉवेल 23 गेंद 30 रन 1 बार आउट करा। विंस का स्ट्रगल है यहाँ पर इसके सामने, मोइन अली के सामने 22 गेंद 31 रन 1 बार आउट करा। बैनी हॉवेल ने 28 गेंद 37 रन 1 बार आउट करा। टॉम हेलम ने यहाँ पे 31 गेंद 43 रन देके 2 बार आउट करा, दोनों बार दूसरी बारी के अंदर। एडम मिलन दोस्तों जेम्स विंस को 22 गेंद 12 रन बनाए इसने और 2 बार आउट करा। इमरान ताहिर ने 1 बार आउट करा 24 गेंद 27 रन। एलेक्स जेम्स वर्सेस ताहिर पेरिंगटन, फिर यहाँ से रॉस वाइटली वर्सेस एडम मिलन इमरान ताहिर। कॉमन कैप्टन आपको दिखेंगे मोइन अली, लियम लिविंगस्टन। बड़े लीग स्पिनर्स को बनाना है दोस्तों, आप बनाओ मोइन अली को, लियम बाबा को, विंस को, क्विंटन डीकॉक को, अलग जाना दोस्तों तो आप ट्राई करना मिलन को, जॉर्डन को, विल स्मिथ को, 3 दोस्तों थोड़े से अलग पिक हो सकते हैं आपके लिए। और अब बात करें टीम्स की, क्या रहने वाली दोस्तों यहाँ पे टीम्स। यहाँ पर दोस्तों कैप्टन है मोइन अली, वाइस कैप्टन दोस्तों से लियम लिविंगस्टन है। आप दोस्तों दोनों को अल्टी पल्टी भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहने मतलब क्या यार, आप इसको स्वैप भी कर सकते हो अगर आपका दोस्तों दिल हो, क्योंकि हमेशा दिल की सुनिए दोस्तों लाइफ के अंदर, किसी दूसरे की नहीं सुननी है, ठीक है। मतलब कहते हैं कि आप सुनो सबकी दोस्तों, लेकिन करो दिल की बात, हुई होती है हमेशा, आपको हमेशा वही कहता हूँ, अपने दिल की सुननी है दोस्तों, तो भी आप लाइफ के अंदर थोड़ा सा आगे मूव ऑन करोगे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कह रहा दोस्तों, विंस को ड्रॉप करना पड़ा मेरे को दोस्तों क्रेडिट की वजह से, और यहाँ से पैट्रिक ब्राउन हो गया, एडम मिलन, जिसके अंदर दोस्तों आपको फिर से दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे लियम लिविंगस्टन 10.5 पे जा चुके हैं क्रेडिट के अंदर। फिर दोस्तों आप देख सकते हो क्विंटन डीकॉक 10.5 के ऊपर, यार जॉर्डन का पहले 8.5 था, 9 कर दिया, मतलब अलग चीज़ें चलती है दोस्तों यहाँ पर, कोई बात नहीं है। अब देखो बड़ी लीग्स में करना है, वही कहूँगा दोस्तों रिस्क लेने से डरना नहीं है, फाइनल मैच है तो दोस्तों कुछ ओपनर्स के यहाँ पे नर्व्स टाइट रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओपनर्स रहेंगे ना दोस्तों, लास्ट मैच भी आपने देखा रहेगा नॉकआउट मैच के अंदर, जो ओपनर्स थे वो दोस्तों जल्दी आउट हो गए थे। रीज़न क्या था, उनकी नर्व्स दोस्तों अच्छी नहीं थी, मतलब क्या हुआ, प्रेशर मैच था, नई बॉल आती है दोस्तों, उनको स्टार्टिंग में फेस करना पड़ता है, तो उनकी नर्व्स थोड़ी सी टाइट रहती है, थोड़े से नर्वस रहते हैं, ऐसा दोस्तों हुआ था, बस मैंने आपको लॉजिक बताया। और आपको दोस्तों रिस्क लेने से नहीं डरना है, ठीक है, आपको नर्वस नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लाइफ में दोस्तों आपको कुछ बड़ा पाना है ना, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं करा, तभी दोस्तों आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पाए थे, ठीक है। टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, देन यू टू डू समथिंग दैट यू नेवर डन। अब देखो यहाँ से क्विंटन डीकॉक एक MVP प्लेयर है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, और मेरे हिसाब से दोस्तों बस ये थोड़ा सा उसको फेस कर जाते हैं ना, किसको, मोइन अली को, तो दोस्तों बड़ी नॉक खेल सकते हैं।
या फिर आप बेंजामिन को ट्राई कर सकते हो, ये भी दोस्तों बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। आपको डिपेंड करता है, थोड़ा सा रोटेट कर लेना क्योंकि आपको दोस्तों क्रेडिट बचा के दे देंगे। देख रहे हो, आपको 2 क्रेडिट यहाँ पे मिल जाएगा, यहीं पे देखते हैं क्या होता है। विंस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक विकल्प है दोस्तों। चेस पे तो बहुत ही मास्टर पीस प्लेयर है विल समीर। माइल सेवन दोस्तों एक ठीक ठाक विकल्प है। मैं कहूँगा दोस्तों माइल सेवन ओपन नहीं करते ना, तो आप ऐसे बैंडिंग को ट्राई करना, ये है ना, या अटैकिंग प्लेयर है दोस्तों, आते ही मारने चालू करेंगे। फिर यहाँ पर टीम डेविड दोस्तों तब ट्राई करना जब आप फिन से तो क्विंटन डिकॉक या तो किसी एक पॉल शिलिंग, ये तीनों से आप किसी दो को ड्रॉप करोगे ना, तब यहाँ पे टीम डेविड आपके अल्टीमेटली पिक होने चाहिए ग्रैंड लीग्स के अंदर। दोस्तों अच्छा कर सकते हैं, टीम डेविड अच्छे फॉर्म के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। हॉवल दोस्तों एक अच्छे विकल्प आपके पास रहेंगे। पॉल शिलिंग दोस्तों ठीक ठाक अटैक करके खेलते हैं, पर सामने दोस्तों एडम मिलन जैसे बॉलर रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ से मोइन अली, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक हो रहेंगे मेरे हिसाब से, आएंगे एडम मिलन इंपॉर्टेंट। गटन दोस्तों अच्छे फॉर्म के अंदर है। पैट ब्राउन दोस्तों क्रेडिट सेवर के तौर पे ले रहे हैं अपन, ठीक ठाक है वो भी ऐसे। तो क्रिस जॉर्डन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लिंटर दोस्तों एक अच्छे स्पिनर है, सब जानते हैं इनके बारे में। डेथ ओवर के अंदर ये मेरे हिसाब से 5 बॉल तो डालेंगे 50 बॉल के बाद ना, जो 50 बॉल हो जाता है ना मैच आधा हो जाता है, उसके बाद इनकी 10 बॉल बचती है। ये मैंने ऑब्जर्व करा था। मैं दोस्तों ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना, और यहाँ से क्रैग आउटिंग भी आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको दे दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक आउट टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन ग्राउंड मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहे स्टैट्स गुरु जी, लव यू, जय हिंद। आपके बिना दोस्तों मैं कुछ नहीं, आपको हमेशा कहता हूं। और आप दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का बहुत बहुत इस टूर्नामेंट के सपोर्ट के लिए। और दोस्तों आप स्टैट्स डाउनलोड कर सकते हो जाके कहां पर, प्ले स्टोर के ऊपर स्टैट्स गुरु जी नाम पर दोस्तों एक ऐप मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सारे स्टैट्स मिल जाएंगे जो सारे मैचेस होते हैं ना दोस्तों उनके। टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद विदाउट एम नथिंग। See you soon, Jai.